नमस्कार दोस्तों, हमारी अपनी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों आप एक बीमारी सुन रहे होंगे, मंकी पॉक्स। तो इस वीडियो में दोस्तों हम पूरी जानकारी आपको देंगे कि मंकी पॉक्स क्या है, क्या मंकी पॉक्स जानलेवा है, मंकी पॉक्स के लक्षण क्या होते हैं, मंकी पॉक्स फैलता कैसे है, सभी जानकारी आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इन दिनों मंकी पॉक्स काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मंकी पॉक्स के अभी भारत में जो है कोई मामले नहीं आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है मंकी पॉक्स। ये दोस्तों एक टाइप से मैं आपको बता दूं चिकन पॉक्स जैसा ही होता है, और लेकिन दोस्तों इसका नाम मंकी पॉक्स इसीलिए पड़ा क्योंकि ये पहले बंदरों में पाया गया था। लेकिन दोस्तों पहले ये बंदरों में पाया गया, लेकिन 1970 के दशक के आसपास ये इंसानों में पहुंचा। दोस्तों वैसे तो ये जो बीमारी है मंकी पॉक्स, ये जानवरों में होती है पहले, फिर दोस्तों इंसानों में होती है, फिर दोस्तों इंसानों में कैसे फैलती है मैं आपको बता दूं। दोस्तों जैसे खांसी के द्वारा, छींक के द्वारा, यदि किसी मंकी पॉक्स वाले रोगी को टच कर दो उसके द्वारा, मंकी पॉक्स के घावों से दोस्तों फैलती है। ठीक है, और फ्रेंड्स यदि हम बात करें इंसानों में फैलने के और भी कई तरीके हो सकते हैं, जैसे किसी इंसान को चूहा ने या फिर गिलहरी ने काट लिया, या फिर उनके मलमूत्र के संपर्क में कोई इंसान आता है तो भी मंकी पॉक्स होने की संभावना है। फ्रेंड्स यदि हम इसके लक्षण के बारे में बात करें तो लक्षण है दोस्तों बुखार यानी कि फीवर, रेसेस यानी कि चकते जैसे, बॉडी में पेन, शरीर में दर्द, सूजन, स्वेलिंग और कफ यानी कि खांसी, ये सब दो जो है इसके लक्षण है, और साथ में जो है शरीर पर दाने या चकते जैसे निशान भी बन जाते हैं। फ्रेंड्स इसमें अच्छी बात यह है कि डेथ रेट जो है कम है, यानी कि मृत्यु दर जो है काफ़ी कम होती है। और एक बात और है दोस्तों, इसकी वैक्सीन भी उपलब्ध है, इलाज भी उपलब्ध है, लेकिन वैक्सीन अभी कुछ ही देशों के पास है, अमेरिका और भी कई देशों के पास। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको मंकी पॉक्स के बारे में बताया है। वीडियो अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।